गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों, आज का लेक्चर भी हम लोगों का बहुत शानदार होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे करणी ट्रिक, यानी रूट ट्रिक, रूट से रिलेटेड। जैसा कि क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग आपके सामने क्वेश्चन लाए हुए हैं। और पिछला जो वीडियो था दोस्तों, वो हम लोगों का स्क्वायर की ट्रिक से रिलेटेड था, जिसमें हम लोग किसी भी दो नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंड फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप वो आपने देख लिया होगा और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं इसमें टाइप वाइज ये भी आपको करवाने वाला हूँ। टाइप वन आपके सामने क्या है वो आप लोग देखिएगा। टाइप वन में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि एक्स बराबर रूट के अंदर 2 + √√2 + √2 करके दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपका अनंत नहीं है, ठीक है। अनंत आपका नहीं दिया गया है, क्या है आपका यहाँ इन्फिनेटिव नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, तब आप क्या करें, करणी के जो अंदर की संख्या है, ठीक है, वो आपको दो टर्म्स में इस तरीके से तोड़ना है जो कि क्रमागत होने चाहिए, ठीक है। तो आप दो को क्रमागत रूप में कैसे तोड़ सकते हैं, आप इसको 1 × 2 कर सकते हैं, या तो 2 × 1 कर सकते हो, यही तोड़ सकते हो ना। और यहाँ आपका क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो 6 को आप किस तरीके से तोड़ सकते हो, या तो 3 × 2 कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, 2 × 3 कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तोड़ लेना है जब आपकी करणी की संख्या समान हो और इस तरीके से आपका पॉजिटिव चिन्ह दिया गया हो, ठीक है दोस्तों। ये पॉजिटिव के लिए है, नेगेटिव के लिए अलग है। तब आप क्या करेंगे, आपने कुछ इस तरीके से तोड़ लिया, और इसमें आपका जो भी बड़ी संख्या होगी, इन दोनों को तोड़ने के बाद जो भी आपकी बड़ी संख्या होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ आपका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका दोस्तों 2 हो गया है ना, बहुत आसान। और इसमें आपने देखा तो आपने क्या तोड़ा था, 3 और 2 के रूप में तोड़ा था। तो यहाँ भी आपका पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव है, तब भी आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। जब भी पॉजिटिव आए तब आपकी बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव के लिए, अब नेगेटिव के लिए भी क्या है, सेम क्वेश्चन वही है, बट यहाँ आपका क्या सिंबल अलग कर दिया गया है। तब भी आपको वही नियम फॉलो करना है। आप दो को कैसे तोड़ेंगे, 2 × 1 के रूप में या 1 × 2, दोनों क्रमागत होने चाहिए। तब आप क्या करें, आपका जब यहाँ निगेटिव आ जाए तो जो आपकी वैल्यू छोटी होगी इन दोनों में से, वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 6 दिया गया है, बस सिम्बल का यहाँ डिफरेंस है केवल। तब भी आप 6 को 2 टर्म्स में तोड़िए, एक आपका 2 हो जाएगा और एक आपका 3 हो जाएगा। माइनस दिया गया है तो छोटी संख्या आपका आंसर हो जाएगी, यानी कि 2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव हो तो बड़े अंक को लेना है, नेगेटिव हो तो छोटे अंक को लेना है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, करणी के अंदर की संख्या समान होनी चाहिए और यहाँ आपका इन्फिनिटिव तक ना हो, ठीक है। क्या ना हो दोस्तों, इन्फिनिटिव तक ना हो। अब इन्फिनिटिव तक हो तब क्या करेंगे, तो वो भी मैं अभी आपको कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। वो टाइप भी मैं अभी बता रहा हूँ, चलिए देखिएगा उसको भी। तो देखिए दोस्तों, टाइप वन ही है आपका, बट यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ आपका इन्फिनिटिव तक दे दिया गया है, यानी अनंत तक दे दिया गया है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि x बराबर दिया गया है √√2 + √√2 यानी रूट के अंदर 2 ही आपका रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। इन्फिनिटिव तक आपके स्टेप यही फॉलो होंगे। अगर मैं इसमें से एक स्टेप हटा भी दूँ, यानी √2 आपका हटा भी दूँ, तब भी आपका ये जो इतनी वैल्यू है वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्स कहलाएगी, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तुम क्या, मैं इसको एक्स बराबर यहाँ क्या था, √2 था √2 और प्लस क्या मैं इतने स्टेप जो आपका दिया गया है इसको एक्स बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, देन आपका यहाँ 2 + x है, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 + x आ जाएगा। अब इसके बाद आपको इसका क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं इसके। तो एक्स स्क्वायर रखिएगा और यहाँ आप जब लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, और इक्वल में आपका 0 आ जाएगा। अब फैक्टर कैसे करते हैं, तो मैं भी इसका आपको वीडियो बहुत जल्द डालने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो आप ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिएगा कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी यहाँ सी की वैल्यू होती है, आपको ये द्विघात समीकरण बन गया, यानी कि ax² + bx + c, ठीक है, ये आपको द्विघात समीकरण होता है। तो आपको क्या करना, सी का ax² से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 का गुणा आपको x² से कर देना,
तो जब दो का गुणा करेंगे, चिन्ह सहित करना है दोस्तों, तो माइनस का 2x² आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपकी bx की वैल्यू है, ठीक है, bx की वैल्यू है, तो उसको आपको दोस्तों इस तरीके से तोड़ना है कि अगर आप गुणा करें तो आपका माइनस का 2x² आना चाहिए, और जोड़ने अथवा घटाने पर आपका जो है माइनस एक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस एक्स आना चाहिए। तो अब आप माइनस एक्स को इस तरीके से तोड़िए कि जब आप गुणा करें तो माइनस का 2x² आए, और जोड़ने अथवा घटाने पर माइनस एक्स आए। तो माइनस एक्स को आप माइनस 2x प्लस एक्स आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x² आ जाएगा, और अगर घटाएंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। यानी जोड़ने घटाने में से कोई भी आपका एक आना चाहिए। तो घटाने पर आपका माइनस एक्स आ गया, और गुणा करने पर माइनस 2x² आ गया। तो माइनस एक्स की जगह ये आप रख दीजिएगा, तो ये आपका 2x² हो जाएगा। यहाँ आपने क्या किया, माइनस 2x और प्लस एक्स, इस दो टर्म्स में आपने माइनस एक्स को तोड़ा था, और माइनस 2 आपका है इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, x, कॉमन का मतलब सेम चीज़ जो दोनों में हो। अब आप x यहाँ ले लेंगे तो x बचेगा, माइनस का 2 आपका बच जाएगा, और यहाँ आपका प्लस। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आपका 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ आपका इक्वल में 0 है। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आपका x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, यानी एक आपकी वैल्यू x बराबर 2 आ जाएगी, और एक वैल्यू आपकी x बराबर माइनस 1 आ जाएगी। तो ये भी आपको समझ में आया होगा जब दोस्तों आपका क्या हो, इन्फिनिटिव तक दिया गया हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना टाइप 2। चलिए दोस्तों, तो देखिएगा आपका टाइप 2 क्या है। टाइप 2 में दोस्तों टाइप 1 से थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि यहाँ आपका कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है, ठीक है, यहाँ आपका कोई सिंबल नहीं दिया गया। तब आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे दिया गया है, एक्स पर पावर 2 पर पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 पर पावर एन। अब यहाँ एक्स क्या है, एन क्या है, तो दोस्तों एक्स जो होता है वो आपका होता है करणी के अंदर की संख्या। क्या होता है, करणी के अंदर की संख्या, और आपका n होता है दोस्तों कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये आपका 4 बार रिपीट हुआ है, और ये भी आपका 4 बार, यानी करणी की संख्या कितनी बार आई हुई है, 1, 2, 3, 4 बार यहाँ आई हुई है, और 4 बार यहाँ आई हुई है। तो ये आपकी n की वैल्यू होती है, यानी n बराबर आपका 4 हो गया। इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो x की वैल्यू आपकी 3 है, तो इस तरीके से आप 3 रख दीजिए, और उस पर पावर कितनी करनी है, 2 पर पावर n माइनस 1, तो 2 पर पावर n कितना करना है, 4। तो यहाँ आप 4 कर दीजिए दोस्तों, फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए मैं बताऊँगा अभी। और माइनस 1 करना है, अपॉन में क्या करना है, 2 पर पावर n, तो 2 और n की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3, और 2 का जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 जो कि 16 हो जाएगा, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, और 15 बटे हमेशा नीचे हर में एक ज़्यादा आता है, यानी 16 आ जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर एक घटा दिया था। तो इसका आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। आपको फॉर्मूला ये यूज़ करना है, इसमें आपका क्या होगा, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ आपकी क्या 5 हो जाएगी, तो आप 5 कर देंगे, ठीक है। उस पर पावर आपको 2 पर पावर n लगाना है, तो n आपका 4 है, 4 कर दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, और अपॉन में क्या करना है, 2 पर पावर n, तो 2 पर पावर n आपकी कितनी है, 4 रख देंगे यहाँ पे। यहाँ 2 पर पावर 4 की वैल्यू आपकी 16 होती है, एक घटाएंगे तो ये आपका 15 बचेगा, और अपॉन में 16 आ जाएगा। तो आपका ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपका टाइप 2 कम्प्लीट हो गया। और भी क्वेश्चन है टाइप 2 के, ठीक है, मैंने आपको यहाँ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आप इसको खुद से पहले करके देखिएगा। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी है आपकी, 7, तो ये 7 हो जाएगा। पावर 2 पर पावर n करना है, तो n अब ये कितनी बार आया हुआ, ये आपका कितनी बार, 7 बार आया हुआ है, ठीक है दोस्तों, 7 बार आया हुआ है। इसके बाद आपको माइनस 1 करना है, ठीक है, अपॉन में आपको कितना करना है, 2 पर पावर n, तो n की वैल्यू आपकी 7 है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे, 2 पर पावर 7 की वैल्यू आप पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और नीचे आपका क्या आएगा, 1 कम आ जाएगा। तो ये आप फाइंड कर लीजिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 2 का गुणा आपको 7 बार करना है, ठीक है, इतना आप खुद से कर सकते हैं। नीचे आप देखिएगा, यहाँ आपका क्या दिया गया, 13 दिया गया है, और वो भी 3 बार। तो x की वैल्यू आपकी 13 हो गई, ठीक है, 2 पर पावर n कितनी बार, 3 बार करेंगे, ठीक है, और माइनस 1 और होल बटे कितना हो जाएगा, 2 पर पावर n करना है, यानी 2 पर पावर 3, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इतने के बाद आगे क्या करना है, 13, और ये 2 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। माइनस 1 करना है, अपॉन में कितना, 8 ही है,
आगे देखिए, ये हो जाएगा 13 पर पावर कितना 8 में से एक जाएगा 7/8। तो आपने प्रत्येक में देखा कि नीचे हमेशा एक ज़्यादा आता है, तो आप इतना यहाँ टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी आपके सामने कुछ इस तरीके से एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन शायद यहाँ मैंने रॉन्ग कर दिए, आप यहाँ 7/8 कर लीजिएगा किसी में। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, तो आपका ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोगों का एक टाइप और बचा हुआ है, टाइप 3, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप क्या है। तो देखिए दोस्तों, टाइप थ्री में भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ सिंबल तो है नहीं, बट ये इन्फिनिटिव तक दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है, इन्फिनिटिव तक दिया गया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो करणी के अंदर की संख्या वही आपका आंसर हो जाती है। यानी करणी के अंदर 2 है तो आपका 2 आंसर हो जाएगा, यहाँ करणी के अंदर 3 है तो आपका 3 यहाँ आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका 11 है तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यहाँ आपका 17 दिया गया है यानी 17, तो यहाँ आपका 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। क्या है, जब आपका करणी के अंदर संख्या समान दी गई हो, कोई अंदर सिंबल ना दिया गया हो और ये इन्फिनिटिव तक इसी तरीके से चलता रहे, तो आपका सीधा करणी के अंदर की संख्या आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों टाइप 4 भी आपका है। यहाँ क्या होता है कि करणी की संख्या जो है बिल्कुल अलग अलग दी गई होती है। तो इसको आप कैसे करते हैं, इसको दोस्तों हमेशा पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आप कहाँ से, पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी ऐसा करने से। चलिए देखते हैं कैसे। अब आपको यहाँ दिया गया है 225 यानी 225। अब 225 का आपको वर्गमूल निकालना है तो कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। अब 15 निकलने के बाद आपको 154 में ऐड भी करना है, तो 154 और 15 आपका 169 हो जाएगा। ठीक है, 169 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 13 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 13, और 13 को आपको 108 में ऐड भी करना है तो ये कितना हो जाएगा, 121 यानी 121। ठीक है, 121 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 11 निकलेगा, और 11 को फिर आपको 25 में ऐड करना है यानी 36 हो जाएगा। 36 का फिर आपको यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है तो आपका कितना, 6 निकल करके आएगा। देन 6 को आपको 10 में ऐड भी करना है, तो 10 में जब 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यानी 16, और 16 का स्क्वायर रूट आपको 4 निकल करके बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे वे में मैं समझा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि समझ में भी आ रहा होगा। और यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो, पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब आप इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, जैसे आपका दिया गया है √5 + √5 + √121। तो इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है यानी वर्गमूल निकालना है, तो कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। अब 11 को आपको 5 में ऐड करना है तो ये आपका 16 हो जाएगा। 16 का भी आपको फिर स्क्वायर रूट निकालना है तो कितना निकलेगा, 4, और 4 को 5 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ ऑप्शन, चलिए दो ऑप्शन सेम हो गए यहाँ पे, तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, चलिए इसको 6 कर देता हूँ, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एक दिखाने के लिए है कि आपके ऑप्शन कैसे आते हैं। ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाएँ, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लेकिन अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ माइनस भी तो हो सकता है अंदर, तो माइनस नहीं होगा, माइनस होगा तो फिर वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, और जो कि आपके एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आएगा। तो देखिए कैसे, जैसे मैंने पहला आपके सामने क्वेश्चन लिया गया है कि रूट के अंदर 3 माइनस रूट के अंदर 144 यानी 144। तो 144 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपके सामने, आपका 12 निकल करके आएगा। देन माइनस आपको 3 करना है, और वो भी करणी के अंदर, तो अब 3 से माइनस 12 को घटाएंगे तो वैल्यू आपकी माइनस की आएगी। ठीक है, और करणी के अंदर माइनस की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आपका फिर सम्मिश्र संख्या में चला जाता है, जहाँ हम आई की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, आई स्क्वायर बराबर -1 आपको वहाँ रख करके सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से आपको जो है एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि अगर माइनस होगा तो क्या, कौन सी समस्या खड़ी हो जाएगी आपकी, कि वैल्यू आपकी माइनस की आने लगेगी। यहाँ आप करेंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा -6, और रूट के अंदर रखेगा तो ये आपका कितना बचेगा, ये भी आपका 9 बचेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे कि माइनस की वैल्यू आ रही है। तो दोस्तों यही थे हम लोगों के टाइप 4, आप लोगों को समझ में आए होंगे, और समझ में आए हों तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपका इसी से रिलेटेड आएगा, ट्रिक से। और अब मैं क्या करूँगा, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा जो कि आपकी अरिहंत बुक में दिए गए हैं। अगर आपने बुक नहीं ली है तो खरीद लीजिएगा, और नहीं भी खरीदी है तो मैं उसके क्वेश्चन आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।